भारत के संविधान के तहत हम शपथ लेते हैं सदैव जल की रक्षा करेंगे। जय हिंद जय भारत। हुए मामलों को सफाई करके जब तक हम जनता के लिए उसे सुनवाई नहीं करेंगे, उस पानी का उपयोग पीने योग्य या वापरने योग्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे अगली पीढ़ी को क्या देंगे इसका निर्धारण भी होगा। और इसलिए जहाँ जल का संरक्षण अति आवश्यक है, वहीं पर जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए उनको सफाई व्यवस्था करते हुए साफ सफाई करते हुए हम सब लोगों के लिए उपयुक्त बनाए अभियान है। और उसी के तहत उन्होंने लगातार कई तालाबों का रखरखाव और कई तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए ये बात कही है। लगातार पिछले साल उसके प्रयत्न है, उसके पहले साल भी लगातार सूरज ताल महानदा में भी कई साफ सुथरा का अभियान चलाया गया। कई कुएं और बावलियाँ जो पुराने जमाने की और प्राचीन धरोहर थी उनको भी सफाई करके लोगों के लिए उपयुक्त बनाया गया। तो इसमें उपस्थित हमारी शहर की लोकप्रिय महापौर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी कार में अगर शहर का कोई भी व्यक्ति उस रिपोर्ट ये उपहार करता है तो तत्काल उपस्थित हो जाती है। ऐसे महापौर हमारी डॉक्टर स्वाति गोड़बोले जी, हमारे मेरे भाई अन्नू भाई जो कि यहाँ क्षेत्र के लगातार पार्षद रहे, जीवन के पार्षद रहे, और पूरे पत्रिका परिवार के सभी समूह को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम बड़े कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की थी हनुमान काल से, मैं समझता हूँ कि इस कला में शुरुआत जो आज हुई है हमारी महापौर जी की उपस्थिति में। मैं दोस्तों नगर निगम की माध्यम से अगर आपको जो भी आवश्यकता होगी हम तत्काल उपस्थित कराएंगे, और जो भी कार्य अगर हमारे तरफ से होगा हम उस कार्य को तत्काल जो भी सफाई व्यवस्था, क्योंकि अगर बोलते हैं कि अगर सफाई व्यवस्था अगर हम सब मिलकर करते हैं तो उसी कार्य को सफलता मिलती है, क्योंकि सरकारी काम तो कोई भी होता है तो फिर करके चले जाते हैं, पर निश्चित तौर पर जो जनता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको निगरानी की जाती है कि भी नहीं मैंने कार्य किया है तो इसकी गंदगी भी नहीं होना चाहिए। इस पत्रिका परिवार के सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऐसा कार्य वो करते रहे और हम हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना थी कि तालाबों का संरक्षण, पानी के स्रोतों का संरक्षण ये हमारी आज की पीढ़ी के नैतिक जिम्मेदारी को जिस तरीके से बताया है, उसी गाइडलाइन के आधार पर जिस तरीके से सभी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं उसी तरीके से पत्रिका समूह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में हमेशा लगा रहे हैं। क्योंकि